Guys, go through last lecture notes. गाइस टेस्ट पेपर वगैरह में किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू राइट इन चैट बॉक्स, आई विल डिस्कस दैट। या बोल भी दो माइक से, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकाल लो बेटा पेपर्स के क्वेश्चंस जो भी तुम्हें पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 प्रशस्त ना, क्वेश्चन नंबर 21। अरे आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाए, मुझे बहुत खराब लगता है बड़ा ऐसे क्वेश्चंस। ये सब समझ लो कि ऐसी चीजें हैं कि एकदम घर की, जेई एडवांस में बहुत सारा नया आता है जिसको आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ किस चैप्टर में कैसे दिया होगा। बट ये क्वेश्चन आसान है बेटा, आप रिकॉल करो तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने अलग से आपको चैप्टर करके पढ़ाया था। बहुत सारे टीचर्स तो उसको लिखाते भी नहीं है। मैंने आपको एल्काडाइन करके चैप्टर करके लिखा दिया हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन वाले सेक्शन में एल्काडाइन करके मैंने बताया, 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन पढ़ाया था, और H2 के साथ क्लियर कट रिएक्शन 1-4 एडिशन बताया था। 1-4 का क्या मतलब होता है? यहां पर जुड़ेगा और यहां पर जुड़ेगा और ये ऐसे बॉन्ड चला जाएगा, स्ट्रेट आंसर ऐसा। अब सोचो यही कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ लगाना था। अब जेई में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना कि एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा उसने चेंज किया, क्या किया उसने, ऐसा बना दिया। अब आप ध्यान से देखो ये वही तो है, इतने हिस्से पे फोकस करो केवल, है ना। और आप इस पे H2 डालो तो, अब इस पे H2 डालोगे तो कैसा बनेगा, बस ये लो हो गया, कितना आसान है। कॉपी कर लो बेटा सब लोग, केवल इसको नहीं लिखें, इसको लिखें, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो जब मैं आपको बोलता हूँ ना एनालाइज कर लो, सेल्फ एनालिसिस करो, उसमें माय आंसर, करेक्ट आंसर, माय एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सब लिखो, तो उसमें ये चीज हाईलाइट करो। और ये चीज लिखना जरूरी है कि द कॉन्सेप्ट इज देयर इन एल्काडाइन चैप्टर, और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ये एरर नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। और सब लोग लिखो बेटा। देन कृष्णा ने क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है। 25 क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो पहले सब लोग। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो बेटा, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन हियर।
शुड आई रिमूव दिस? कॉपी कर लिया सबने? यस। क्वेश्चन नंबर पूछा है 25। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुकलेट में कई सारे थे, मैंने क्लास में करवाए हैं क्वेश्चंस। जैसे रिकॉल करो, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक इस तरह से दिया हुआ था और यहाँ एक OH था और इसका रिएक्शन Br2 के साथ कराया गया था। तो मैंने बताया ना, हेलोजिनेशन जब एल्कीन का होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, पहले उस डबल बॉन्ड पे साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है ना, फिर अगर बाई चांस कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है Br- के अलावा तो वो अटैक करेगा, वही मेजर प्रोडक्ट देगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो Br- अटैक करेगा। मैंने ये भी बोला था कि इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे इसमें OH प्रेजेंट है। ये मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो तुमने किया है, तो आई एम ट्राइंग टू रिलेट थिंग्स कि ये चीज जो क्वेश्चन एग्जाम में है वो नया नहीं है, वो तुमने ऑलरेडी किया है, तुम शायद पहचान नहीं पाए उसको, ठीक है? तो अपने को पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन। तो ये OH था, इसने फिर कहाँ अटैक किया, उस कार्बन पे जहाँ टर्शरी होता सेकेंडरी के कंपैरिजन में, सेकेंडरी होता प्राइमरी के कंपैरिजन में, यानी जहाँ कार्बोगेट अनस्टेबल, और ऐसा ये शिफ्ट हो जाता। तो इस तरह से कोई रिंग सी बनती है ना, रिंग सी बन रही है आपको, और यहाँ CH2Br ऐसा लग गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हमने किया हुआ है हेलोजिनेशन में। तो जब आप एनालिसिस करना तो इसको पहले लिखना और यहाँ लिख देना वी हैव डन दिस इन एल्कीन, चाहे तो क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दो जो तुम्हारे बुकलेट में इस तरह का दिया हुआ है, किसी एक्सरसाइज में दिया होगा, ठीक है, वो आप चेक कर लेना, इतना मुझे याद नहीं है। उसके अलावा जो इस पर्टिकुलर उसमें जब आओगे तो उसने कैसा दिया है बेटा, इसको चाहिए तो डिजाइन वैसा ही बना लो, कितना आसान तरीके से आप उसी स्टाइल में लिख लो, CH2 लिखो, डबल बॉन्ड लिखो, CH लिखो, CH2 लिखो, CH2 लिखो, C डबल बॉन्ड लिखो, OH लिखो। क्या तुम्हें नहीं फीलिंग्स आ रही है? बिल्कुल उसी स्टाइल में आएगा। अब क्या करना होता है बेटा, इसमें उसने I2 दे दिया है, साथ में क्या दिया है ये, अब ये क्या है? तो ये अगर ना भी दिया होता ना तो तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस होता वैसा ही होता जो अभी ये किया है। ये देने का मतलब है तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। GOC में कहा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व होता है। उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जब NaHCO3 के कॉन्टेक्ट में आएगा तो अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेगा, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो Na+ सेपरेट हो गया, वो O- के साथ चिपका रहे से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिकली, और साथ में CO2H2O, तो इससे कोई मतलब नहीं। सोचिए, मतलब कोई लेना देना ही नहीं। अगर तुम ऑप्शंस भी देख लेते ना तो भी तुम्हें कोई हेडेक नहीं होता, तुम केवल यही सोचते इनकी रिएक्शन आपस में कैसे करा दी जाए। सो अब यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, आयोडीन को ऐसे लगा देना, साइक्लिक आयो जो हेलोनियम आयन आप बोलते हैं ना, हेलोनियम आयन वो बना दो, और फिर क्या करोगे बेटा, इस O- का यहाँ पर अटैक। देखो कितना इंटरेस्टिंग वे में, आपको कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकालना, आप खाली ये गेस कर लो कितने की रिंग बन रही, कितने साइज की, और वो ऑप्शन में कहाँ लिखा हो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, और एक CH2I आकर के लगेगा, और ये सी डबल बॉन्ड ओ अंदर आएगा। इस तरह से आपको सोचना होता है, और जिस O को आप CH से कनेक्ट कर रहे हो वही CH2I से कनेक्टेड होना चाहिए। क्या आप सब लोग बच्चे समझ पा रहे हो बेटा? आपको आंसर आ गया, कॉपी कर लो बेटा, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुम्हें आता था, तो पहले वो हाईलाइट करना कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये नहीं होना चाहिए कि हर बार तुम्हें लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही नया है, मेरे को हो ही नहीं पा रहा। जब ये रियलाइज होता है कि ये चीज हमारे पास ऑलरेडी है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स दोगे। कॉपी कर लो,
कृष्णा बोल रहा है सीओ थ्री माइनस कट है, सीओ थ्री माइनस कहाँ है, COOH। अच्छा तुमने NaHCO3 का सीओ थ्री माइनस अटैक करा दिया, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट कहाँ दिया है, जबरदस्ती कहाँ से तू लिख देगा, ऑप्शंस भी देखना जरूरी है। मैं कई बार कहता हूँ एलिमिनेशन सोचो, क्या एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस में। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई होप आप बेटर करो। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने इस पेपर में कितना ज्यादा अच्छा या खराब कर लिया, क्या आप रियलाइज कर पाए वो मिस्टेक्स, क्या आप ये समझ पाए कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दैट। अगर ये रियलाइज कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस होगा उससे ज्यादा आप वहां पर अच्छा करोगे। ठीक है, तो इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एनालिसिस करके अच्छे से रखिएगा। हर बच्चा अपने लेवल पे ही करता है जितना वो परफॉर्म कर पाता है, और उससे बेटर आपको करने का ट्राई करना है। आपको इधर उधर नहीं सोचना है कि पड़ोस में कौन कैसा कर रहा है। कॉपी कर लिया बड़ा सबने, अच्छे से लिखिए बड़ा सारे बच्चे, हाँ ऐसा रफ मैनर में इसको नहीं करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ऊपर इसने पूछा था, और लोगों ने लिख दिया, सिद्धार्थ ने क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है। ये हो जाए तो बताइए बेटा। डन बेटा,
ओके चल, देन क्वेश्चन नंबर 24 एज आस्क्ड। तो इसमें क्या करना है, दिया हुआ है बेटा H2 PDBaSO4। अब देखो ये सब कितनी आसान आसान चीजें, स्ट्रेट आप यहां पर क्या लिखोगे कि ये हाइड्रोजनेशन है बट लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को केवल डबल बॉन्ड में करता है, और इसका फिक्स्ड है ना। ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे, होना वो सिस वाली स्टाइल में ही है ना, इस स्टाइल में आपको बनाना है। तो देख लो आप, इसमें दो ट्रिपल बॉन्ड दिए, दोनों को आप डबल बना दो, और दोनों के सराउंडिंग में बॉन्ड्स इस तरह से निकलने चाहिए सेम साइड। आई होप आप समझ पा रहे हो, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई वो नहीं है बेटा। हाँ इसको तो आपको करना चाहिए था एग्जाम में इसको, लेकिन लिख लो आप, बिकॉज अगर मिस्टेक हुई है तो उसको आप लिखो जरूर। फिर किसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30, ये 30th पूछा है ना, कृष्णा भट्ट। इसमें क्या डिफिकल्टी बेटा, ये तो मैंने बोला था ना कि जब कभी भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि कितने टाइप के फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, और कपलिंग करा लो वो सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। बन सकते हैं मतलब वो मेजर होगा ऐसा नहीं है, कितने बनाए जा सकते बस इतना देखना है, कोई उसमें टेंशन ही नहीं है। तो जब आप जो उसकी मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपका ये इस तरह का एसीटेट आयन आता है, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बनाता है RCOO रेडिकल है ना, फिर RCOO रेडिकल भी अपना एक CO2 लूज करता है तो बनाता है R रेडिकल है ना। अब क्या हो सकता है बेटा, ये रेडिकल आपस में ही कंबाइन करके आंसर दे सकता है, ये रेडिकल आपस में कंबाइन करके आंसर दे सकता है, ये रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बहुत आसान। डिफिकल्टी बोलो अगर कुछ इसमें हो किसी ऑप्शन, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए, अदरवाइज इट्स इजी, हाँ अपने हिसाब से आप डील कर सकते हो, आंसर आएगा। इसको हटा दे मैडम, क्या बोला बेटा तुमने सिद्धार्थ, व्हाट इज रोजेनमुंड कैटलिस्ट। अरे ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है यही रोजेनमुंड होता है, बट वो अभी के लिए नहीं होता बेटा, हम लोग उसको यूज करते हैं उसमें जब एसिड हेलाइड आप पढ़ोगे या एल्डिहाइड्स पढ़ोगे तो उसमें ये कन्वर्जन मेथड होता है। इसमें जो रोजेनमुंड कैटलिस्ट कुछ नहीं होता है, रोजेनमुंड रिडक्शन करके नाम है, जैसे क्लेमेंशन रिडक्शन, वोल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है ना। तो कई बार उसको इस तरह से बोल जरूर देंगे, बट उसको कहा लिंडलार कैटलिस्ट ही जाता है, तो यहाँ पर सेम लिंडलार कैटलिस्ट डालते हैं और ये प्रोसेस होता है। बट इसके अभी हमको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर एक रिएजेंट जो होता है ना उसके अलग अलग चैप्टर्स में हो सकता है, अलग अलग फंक्शंस हो। जब पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है रिएजेंट्स की, जिसमें हर रिएजेंट का जितना भी फंक्शंस है, चाहे वो आपने एल्केन में पढ़ा हो, एल्काइल हैलाइड में पढ़ा हो, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में पढ़ा हो, सब एक जगह लिखते हैं और फिर एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। इस तरह से क्या होगा, आपका एक परफेक्ट सेट हो जाएगा रिएजेंट्स, और वही आपको अल्टीमेटली याद रखना है, उनके बेसिस पे ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं।
फिर 34th किसी ने पूछा, थर्टी फोर्थ में क्या प्रॉब्लम बेटा सर्विस बोलो। ऑप्शन सी कलर। अरे यार कचरा कराए, इतना आसान क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन भूल गए क्या? दो टेस्ट लिखाए थे, एक लिखाया गया था अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। बेटा आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको अच्छे से यूज करिए, ठीक है। देयर आर केसेस जहां पर आपके पास नोट्स ही अवेलेबल नहीं होते, यही नहीं पता होता कितना डेप्थ में क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। सिलेबस पता होने से जेई एडवांस की तैयारी नहीं होती है, जेई एडवांस की तैयारी एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है कि आपके पास कितने अच्छे और कहाँ कहाँ के नोट्स हैं। कहाँ कहाँ के नोट्स का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड बुक्स जिनके नाम मैंने पहले लेक्चर में हो सकता है तुम्हें लिए हो, वो तुम सब इतनी सारी बुक्स पढ़ नहीं सकते, वो तुमको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो उन्हीं बुक्स के नोट्स हैं, तो उनको अच्छे से संभाल कर यूज करिए, बहुत आसानी से आप मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। रिलेटेड क्वेश्चंस रखिए नोट्स में। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट पढ़ाया था, इसमें आपको क्या मिलता है बेटा? वाइट प्रेसिपिटेट, याद है एच हटाकर एजी लगाया था, और एक दूसरा क्या था इसमें? अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 या फिर CuCl ऐसा लिखा जाता है। तो ये जो होगा इसका काम क्या होगा बेटा? ये RCCU ऐसा करके बना देगा, क्या समझ में आया? इसको ही क्या लिखते हैं हम लोग? रेड प्रेसिपिटेट। तो भाई रेड प्रेसिपिटेट का मतलब कलर क्या है? रेड। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि आपके नहीं कर पाए, क्या समझ में आया बेटा सर्विस? चलो कोई नहीं, लेकिन लिख लो ना, एनालाइज करो, एनालिसिस करनी और उसको लिखना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में आए तो अपने से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लिख लो इसको सर, वो रेड प्रेसिपिटेट याद नहीं था। कोई नहीं, लेकिन ये है कि एक बार एग्जाम में आ गया, अब आप फ्यूचर में ऐसा कुछ भी आया तो भूलना नहीं है, ठीक है? हेलो सर। यस बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 28 में सर ऑप्शन बी भी करेक्ट होना चाहिए ना? एक मिनट, कौन सा को 28 था आपने बोला ना बेटा? यस सर। 28 में बी, ये तो देखना पड़ेगा। मैंने तो आपको बताया ना कि इन सब क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि आपको केवल जो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक किया और फिर कंपाउंड बनाया था, पर
आंसर कि मैं रॉन्ग दे रहे और मार्क्स भी काटे थे। अच्छा, लेकिन आपने ये नहीं, ये ध्यान दिया कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि एक आध एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल गया हो? आप 100% श्योर हो? यस सर, इतना ही मिल गया। लेट्स देखते हैं। तो इसमें जब आप प्रोडक्ट को, मैं पहले लिख ही देता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो अगर बाय चांस ये आंसर गलत है। ये पीछे नहीं दिया हुआ है, मतलब आंसर में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने जो टेस्ट पेपर था ना, उसमें देखा था, उधर मार्किंग रॉन्ग दिया था। अच्छा, कोई और बच्चा बता सकता है आंसर की उसके पास है कि नहीं? यस सर, उसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट नहीं भी है, ए और सी करेक्ट भी है। 20 ओके, सिद्धार्थ बड़े यस क्यों बोला तुमने? मुझे समझ में नहीं आया। एक मिनट, वो किसी और को बोलने दो बेटा, उसने देखा होगा ना। बोलो सिद्धार्थ। नहीं सर, नहीं दिया। नहीं दिया है ना, चलो देख लेते हैं। तो तुम्हें आया है क्या ये आंसर? यस सर। तुम्हें भी आया? ओ लेट्स सी, अभी तब तो फिर चेक करना पड़ेगा अगर इतने सारे बच्चों को आ गया। यहाँ पर सी एच आएगा और यहाँ पर ये सी एच डबल बॉन्ड ओ ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, यहाँ ये आंसर आ रहा है कि यही दिया हुआ? मैच कराओ, यहाँ पर तो दो सी एच ओ लग रहे हैं, जबकि तुम्हारे गिवन प्रोडक्ट में वैसे दो सी एच ओ तो हैं, एक सी एच ओ इधर है, एक सी एच ओ इधर। अब इसको मैच कराओगी जो मैंने बनाया है, क्या ये आपको वही दिख रहा है? ध्यान से देखो, नंबरिंग वंबरिंग कर लो उसके हिसाब से, कहीं से भी आप शुरू कर दो। अच्छा, एक सी एच ओ और है मेरे पास यहाँ पर, है ना? तो क्या तुम्हारे इसमें तीन सी एच ओ है? नहीं है तो नहीं मैच करेगा। बड़ा श्रुति समझ में आया? तो सीएचओ चार है ना? चार सीएचओ है, सीओ चार है, सीएचओ नहीं। सीएचओ मतलब एल्डिहाइड, सीओ मतलब कीटोन वाला भी हो सकता है ना बीच में। तो मेरे इसमें देखो ना, एक ही कीटोन शायद आ रहा है, बाकी तीन एल्डिहाइड थे, जबकि प्रोडक्ट वाले जो दिया है उसमें दो कीटोन और दो एल्डिहाइड। ठीक है, अभी कृष्णा कह रहा है सी करेक्ट दे रखा है, उसमें भी तीन सी है। चोपड़ा, ऐसा तुमको लग रहा होगा, एक बार और करके देखो, जरूरी नहीं है। ठीक है, चल और बोलो। एक मिनट, और किसी का क्वेश्चन कुछ तो लिखा था पहले, बहुत सारे मैसेजेस आ गए बीच में बेटा, जून में क्वेश्चंस दोबारा लिख सकते हो जिसका रह गया है क्वेश्चन। सर 35th का ये 35th 35 ना? ओके सर, 35th कहाँ चला गया? ये तो रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और सर वो साइड में लग सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो साइड में मतलब ट्रिपल बॉन्ड के ब्रेक दो दो ये दिए कीटोन। हाँ, तो अगर मान लो ऐसा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पूछा जाता है इसके लिए, तो इसमें ऐसा बनाया जाता है, और जब ऑक्सीडेटिव होगा तो ये पूरा ब्रेक हो जाता है। मोस्टली ऑक्सीडेटिव पूछा जाता है एल्काइन के लिए, बट अगर उसने रिडक्टिव पूछा है तुमसे तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। नहीं समझ में आया बुंदा? ओके सर, समझे।
ये मैंने लिखाया है इसमें नोट्स में करके लिखाया था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो मोस्टली पूरा ब्रेक होता है और एसिड बनता है, बट अगर उसने रिडक्टिव दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको पूरा ब्रेक करना, और अगर रिडक्टिव ही दिया है तो आपको दो सीओ लगा। और फिर कृष्णा और प्रशस्त दोनों ने अभी डाला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या डिफिकल्टी है? प्रशस्त लिखता है सिक्स फ्रैक्शंस शुड बी एज टू काइरल सेंटर्स ऑन ईच, क्या लिखा, ऑन ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने बना डाले? तीन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट एट EIGHT थ्री प्रोडक्ट्स और उसमें तुमने दो दो अपना बना ला। थ्री कैसे बना बेटा? वो एक Br2 वाला NaCl plus H2O में Cl और OH। NaCl plus H2O कहाँ से आ गया? ब्राइन दिया है। ब्राइन में तो फिर NaCl केवल मान के चलेंगे ना। तो सर उससे भी इनिशियल सर तो तीन फ्रैक्शन कैसे आएंगे? तीन दिया है क्या? तीन हो सकता है गड़बड़ दिया हो, तीन में डाउट है, वो तो फिर ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, आप भी क्लेम कर सकते हो जाके। ये दिया हुआ है एक प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा बेटा, है ना। और यहाँ सॉरी यहाँ डी यानी ड्यूटेरियम, फिर यहाँ एच, यहाँ भी ड्यूटेरियम है और यहाँ Cl CH2Br। तो इसमें काइरल, ये तो फिक्स्ड काइरल होगा ना, मान लो इसका डेक्स्ट्रो दिया है तो ये ही डेक्स्ट्रो हो जाएगा मेरे लिए, है ना। और इस वाले में आपको काइरल कार्बन आ रहा है और कुछ काइरलिटी नहीं आ रही ना बेटा, मतलब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी नहीं है बेटा, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो आपको NaBr भी मिलेगा ना, अब उसने उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे बेटा? यस सर। नहीं तो फिर क्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल गड़बड़ हो जाएगा अगर इस तरह से लैंग्वेज गड़बड़। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं NaBr को ले लूंगा तो तीन आपके इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, है ना, तो इनके तो बॉयल वो अलग ही होंगे, जो भी आप कंपेयर करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल व्हाटएवर। अब ये जो दो हैं इनमें आप इसको डेक्स्ट्रो लेवो मान सकते हो, है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनता है और कोई काइरलिटी कैंसिल भी नहीं होती है। हाँ बट आंसर कुछ तो गड़बड़ दिया है शायद, क्योंकि इस वाले में आपको डायस्टीरियो मारा है ना, एक डीडी वाला बना सकते हो, एक डीएल वाला बना सकते हो, यहाँ पर भी एक डीडी वाला बना सकते हो, एक डीएल वाला बना सकते हो। समथिंग इज रॉन्ग विद द आंसर, यू कैन क्लेम, ठीक है, मैं भी बात कर लो और प्रोबेबली हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अगर बाई मिस्टेक किसी ने ऐसा बना कर दे दिया है कि 1 2 3 ये NaBr को काउंट कर, तो समझ लो कि फ्रेमिंग अच्छी नहीं है, तो इग्नोर कर देना, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे इग्नोर कर देने चाहिए, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना बेटा कि NaCl था इसलिए प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा और आपको डेक्स्ट्रो, अच्छा ये जो प्रोडक्ट आपने लिखे ना ये डायस्टीरियोमर्स हैं आपस में, ये इनेंशियोमर नहीं हो सकते क्योंकि इसका ये फिक्स्ड है। याद करो मैंने बताया था कि अगर एक काइरल पहले से फिक्स्ड है और एक नया बनता है तो हमेशा डायस्टीरियोमर्स बनते हैं, याद करिएगा, है ना। और डायस्टीरियोमर्स का सेपरेशन पॉसिबल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से, तो इसीलिए उसको ध्यान देने वाली बात, ठीक है। और बोलो, अच्छा 40th भी पूछा है क्या? 40th में क्या है? नंबर ऑफ इनेंशियोमेरिक पेयर्स प्रेजेंट इन मिक्सचर ऑफ ऑल मोनोब्रोम प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनेंशियोमेरिक पेयर्स पूछा है आपको, तो पेयर का मतलब आपको वन काउंट करना है कि
वह नहीं काउंट करना है, देखते हैं क्या कहना चाहता है। लैंग्वेज कई बार ये थोड़ी सी अलग सी रख लेते हैं बेटा, तो ये लेकिन जे एडवांस का जो क्वेश्चन बनता है तो वहां पर बहुत अच्छी से लैंग्वेज में क्लैरिटी देते हैं, है ना, इसीलिए वो लोग एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्टीरियो ये सब लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के माइंड में। लेकिन कई बार होता है कि हम जब कोचिंग क्लासेस के पेपर देखते हैं तो उनमें ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई उसको इग्नोर कर देते हैं, इतना कोई वो नहीं है। चलो पहले हम लोग ऐसा देख लेते हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो इसमें एनबीएस डालोगे, पहले तो आप ये बताओ एनबीएस का फंक्शन क्या है, एनीवन क्या करता है? फ्री रेडिकल, लेकिन साथ में इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक बोल दो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां लिख देना वाया, इसको सबको एनालिसिस लिखनी है आप बेटा, वाया फ्री रेडिकल, नहीं बेटा कृष्णा एंटी एडिशन नहीं, एडिशन है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन है पहली चीज तो, वाया फ्री रेडिकल। ये लिखने का फायदा क्या हो ध्यान से देखना होता। सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले काम करना है आइडेंटिफाई ऑल यू नो एलाइलिक पोजीशंस, एलाइलिक पोजीशंस। तो जैसा मैं कर रहा हूं उस तरह को आप करते जाना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एनबीएस बहुत ही यू नो इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, और फ्यूचर में भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, पास्ट में आए थे। तो आपको मैं यहाँ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, यहाँ पर एक है पोजीशन, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ये तीन है बेटा, इसके अलावा कोई है क्या? एलाइलिक समझते हो ना कि डबल बॉन्ड दिया होगा और उसके बगल वाला कार्बन, इसको एलाइलिक कहते हैं बेटा। मतलब काफी कुछ आप सीख गए, तो हम लोग पहले लेक्चर में जब हमने आईयूपीएससी शुरू किया होगा ना तब से हम अगर एलाइलिक एलाइलिक विनाइलिक ये सब पढ़ रहे हैं, वहां पर मैंने आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में इनके छोटे छोटे ग्रुप्स के नाम बताए हुए थे सबके, आपको कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखने सिखाए थे, वो सब आपको अच्छे से आ गए कि लेवल आपका बढ़ गया। अब आपके पास तीन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कहीं कोई आइडेंटिकल तो नहीं है तीन पोजिशंस में, नहीं तो उसमें एरर कर देते हैं हम लोग। तो इसमें कोई आइडेंटिकल है क्या बेटा, कहीं ये इसका आइडेंटिकल तो नहीं है? ध्यान से देख लो, तो हम लोग क्या लिख देंगे, नो, ठीक। अब आपका काम है कि आप तीन फ्री रेडिकल बना, तीन फ्री रेडिकल। तो जब तीन फ्री रेडिकल बनेंगे तो एक तो आप ये बनाओगे बेटा, है ना, एक आप ये बनाओगे, एक आप ये बनाओगे, दीज आर द थ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। लेकिन इसमें एक और चीज देखनी है आपको, कहीं कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट ऐसा नहीं कराना है, केवल आपको ये देखना है कि कहीं कोई रेजोनेंस करके नया ना आ जाए। तो भी नया क्या ये इसके जैसा ही है या डिफरेंट है, क्या लिख दें हम लोग? आप लोग पार्ट नहीं लेते यार, बताते नहीं आता इस वाले में, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, कहीं ये सेम तो नहीं है? तो भाई बिल्कुल ही अलग सा लग रहा है, नीचे था ऊपर आ गया, तो ये भी मेरे लिए डिफरेंट हो गए। यहां पर देखो, जब यहां पर लिखोगे तो ये मिलेगा, ये आइडेंटिकल निकल गए, यानी कि यहां से केवल एक मिलेगा। तो जब तुम इसमें जाओगे तो एक प्रोडक्ट तो ये मिला, और ये कोई एग्जाम में लिखना थोड़ी ना होता, ये सब तो अपने आप समझना होता है, तो टाइम आपको इसमें ज्यादा नहीं लगना चाहिए, दो मिनट के अंदर अंदर आपका सॉल्विंग होनी चाहिए। इस वाले में आपका यहाँ सॉरी नीचे की तरफ आएगा, बी आर यहाँ आ जाएगा और
इस वाले में बी आर यहाँ आएगा, है ना, और इस वाले में एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो किधर वाला ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सब में काइरल है बेटा, है ना, और अगर काइरल कार्बन होता है तो क्या आएगा उसमें, इनेंशियोमर, तो प्लस इनेंशियोमर प्लस इनेंशियोमर, तो यहाँ कितने पेयर्स हो गए, टू पेयर्स। फिर यहाँ वाले में भी उसी तरह से ये काइरल है तो प्लस इनेंशियोमर प्लस इनेंशियोमर, यहाँ कितने आ गए, टू पेयर्स आ गए। इस वाले में तो खाली इनेंशियोमर लिखेंगे तो यानी वन पेयर यहाँ पर आ गया। तो देख लो कितना आंसर दिया बेटा, दो चार पांच फाइव। तो सारे बच्चे कॉपी कर ले बेटा, हाँ अच्छे से एनालिसिस करिए जैसा मैंने लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में आप लिखिएगा। धीरे धीरे आपका भी लेवल बढ़ेगा और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उनका भी लेवल बढ़ेगा, तो आपका अपने आप को आपको ज्यादा मैच्योर रख करके क्वेश्चंस को करना है। हाँ ये किस चीज के लिए श्रुति आपने डाला बेटा, मतलब आप कह रहे हो कि जो जो मैंने किया उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है? बेटा बाकी बच्चे भी जरा देख लें श्रुति का आंसर एक बार, देखो चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है उसमें। आपको आपने तीन मेरे को बना कर दिए हैं, मैं इसमें से किसको चेक करूं बेटा, सेकंड वन, सेकंड जो बनाया है ना उसमें, yes, जो सेकंड वाला आपने बनाया है उसमें आपने CH3CHO कैसे लिखा बेटा, मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से अगर जाऊं तो एक प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCH3 जो सही से ही आपने बनाया है, और ये CH3CHO आपने लेफ्ट से निकाला है कि राइट से निकाला है बेटा, राइट वाले से निकाला है, आपने लेफ्ट में लिख दिया इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फिर CHO आपने सही बनाया है, ये जो आपने प्रोडक्ट लिखा है लेफ्ट से आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी नजर में CHO दिखाई दिया, तो मैं CHO लेफ्ट वाला है तो मैं लेफ्ट में उधर देखूंगा कि CHO कहाँ से आ गया, वो CHO मैच नहीं कर रहा है, चलो मान लेता हूँ कि आपने राइट से शुरू कर दिया है, तो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं सीधा बना, CHO है फिर CH2 आपने बनाया है फिर C डबल बॉन्ड आया है फिर CH2 आया है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ बेटा, एक बार ये सब बच्चे का कॉपी कर लें बेटा, आंचल एक बच्ची है जो बोल रही है आपके आंसर में आपका डबल बॉन्ड था पोजीशन आपने गलत बनाया है, चेक करो बच्चे बेटा, साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है ना बेटा उसमें देखो आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है क्या, एक मिनट मैंने जो किया था वो कहाँ गया क्वेश्चन, ये पोजीशन यहाँ पर है, आपने कैसा बनाया है,
हाँ आपका पोजीशन गलत है बेटा, देखो यस ठीक है बेटा। चलो सब बच्चे कॉपी करें इसको, अच्छे से लिखें बेटा एनालिसिस इसकी। डन सबने का कॉपी कर लिया, हटा दें इसको। नेक्स्ट पेज।
तुमने कर लिया बेटा। चलो और पेपर में कोई डाउट है बेटा किसी को, गैस को हटाते हैं अभी। सर क्वेश्चन नंबर 39 में डाउट है। 39 एक मिनट बंद कर दिया मैंने। अरे 39 तो बहुत आसान है, इसमें डिहाइड्रेशन करना है, प्रॉब्लम क्या है? डिहाइड्रेशन कर लो तो बेयर्स रिएजेंट का मतलब है दो OH का एडिशन। लोगों मैं करके दिखाता हूँ। सर दो OH तो सिन में लगने चाहिए ना। हाँ कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर उधर 6 दिया लेकिन तुम्हारा कितना आ सर मेरा रहा है? 2 3 आ रहा है। दो तीन आ रहा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये तुमको क्लियर होना चाहिए कि जब तुमने इसका डिहाइड्रेशन किया और उसने खाली तुमसे मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, उसने प्रोडक्ट्स लिखा है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बनाओगे, फिर कार्बोकैटायन के बारे में सोचोगे क्या रीअरेंज करेगा। तो यहाँ खुद ही ऑलरेडी उसका हाइपरकॉन्जिशन ज्यादा है, सेकेंडरी है, और यहाँ जाएगा तो उतना स्टेबल नहीं होगा। तो इसमें मानकर चलोगे तुम कि एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा जिसमें वो ट्रांस होगा, और एक प्रोडक्ट वो मिलेगा जिसमें वो सिस हो जाएगा। नहीं समझ में आया बेटा? यहाँ ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है ना, इसमें भी दो मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम की कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको एज सच लिखेंगे। अब इनमें उसने क्या डाल दिया है? पेयर्स रिएजेंट। पेयर्स रिएजेंट का मतलब है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। इसका काम क्या है? सिन एडिशन ऑफ टू OH ग्रुप्स। अब सबसे पहले तो सिस ट्रांस वाले को डील करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाए हुए हैं। जब इसमें जो है एडिशन आप करोगे, ये एक ट्रांस है, और ट्रांस सिन एडिशन थ्री सीटर रिक्शा रेसिमिक मिक्सचर, याद है क्या बेटा? यस सर। रेसिमिक मिक्सचर, तो यहाँ तो आपको दो मिलेंगे है ना, जिनको आप इनेंशियोमर्स बोल सकते हो, टू। अच्छा, इस वाले में क्या मेजो मिल सकता है? क्योंकि सिस है छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन ये तभी होता है अगर सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल नहीं तो क्या यहाँ पर भी क्या मिलेगा? यस, इनेंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर। ये चीज क्लियरली सब बच्चे लिखेंगे, पहले भी मैंने बहुत बार ये चीज बताई है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा एल्कीन है जिसमें एक तरफ इथाइल लग रहा है, एक तरफ मिथाइल, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो भाई यहाँ तो इनेंशियोमर ही मिलेगा। इसीलिए इसका दूसरा फॉर्म जिसको CSE बोला जाता है वो परफेक्टली फिट होता है, उसमें मेजो नहीं लिखा होता। लेकिन CSM से क्या होता है, तुम्हें इमीडिएट आंसर पता चलता है कि मेजो है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया, तो दो दो यहाँ से आ गए। इस वाले में क्या मिलेगा? इस वाले में तो आपको सीधे सीधे मेरे ख्याल से एक काइरल मिल जाएगा, है ना? ऐसा है, और अगर काइरल मिलता है तो फिर उसका इनेंशियोमर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो देखो तुमने 6 बोला है ना, मैच कर रहा है, कॉपी कर लो उसको अच्छे ढंग से। हाँ
बाकी बच्चे देख ले बेटा पेपर में, कुछ और कंफ्यूजन डाउट है? हो गया बेटा, कॉपी कर लिया, रिमूव कर दें इसको। यस सर। और किसी का कोई डाउट है बेटा? नहीं तो मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो पहले देता हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये नहीं, इसका नहीं। गाइस क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और इसको बहुत दिल लगा करके अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए कि इसका आंसर आपको आ जाए, ठीक है ना। ये एक्चुअल जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आपको इस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई है, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, क्लेमेंशन रिडक्शन हो, वुल्फ किशनर रिडक्शन हो, ये सारी प्रैक्टिस आपके पास है। तो कोशिश करो कि आंसर आ जाए,
एलिमिनेशन सोचो, ऑप्शंस देखो, सॉल्व करो कुछ, बट ट्राई टू गेट आंसर, इवन इफ थोड़ा टाइम आपसे ज्यादा लगे क्योंकि ये सब अभी आप पहली बार कर रहे हो हर एक चीज, लेकिन ट्राई टू गेट आंसर. एक हिंट मैं आपको दूंगा, ऑल्दो वो चीज मैंने पहले भी आपको बताई है, बट ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिलेटेड हिंट दूंगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, हटा दे क्वेश्चन को. यस सर. रिमूव कर रहा हूं बेटा. अब सॉल्व करिएगा केवल, या ये चीज आप देख लो, ये हिंट ऐसा ना हो कि आप इसको भूल गए हो. ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है, याद करो मैंने बताया था, इट एक्ट्स एज बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल. क्या याद है ये कॉन्सेप्ट बेटा? यस सर. और जब ये बेस की तरह काम करता है तो चाहे आपने H2O में डाल दिया हो इसको, इसको R डैश OH यानी एल्कोहल में डाल दिया हो, या किसी टर्मिनल एल्काइन के साथ इसको रख दिया हो, तो ये जो इसका R पार्ट है ना, दिस एब्स्ट्रैक्ट्स H, सबसे H लेकर के RH बना देता है. आई होप आप सबको याद होगा ये चीज. उसी तरह से जब कोई आप मान लीजिए एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ आपने रिएक्शन कराई, तो इसी का जो ये जो R है ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. और हम लोग एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शन जानते ही हैं, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ी थी क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक, तो बस कुछ नहीं, केवल जोड़ देना है, यानी यहाँ आर लग जाएगा और ओ माइनस बाद में OH बन जाएगा प्रोटोनेशन के बाद, तो इस तरह से ये एल्कोहल बन गया. इसी का रिएक्शन मान लीजिए मैंने करा दिया किसी यू नो एस्टर के साथ. एस्टर क्या है बेटा? एसिड डेरिवेटिव है. एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन मैकेनिज्म रिकॉल करके बताइए. ANDN याद है? तो ANDN में क्या होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड, यानी रिप्लेसमेंट हो गया एक टाइप से, तो प्रोडक्ट नया क्या बन जाएगा, ये. तो ये ANDN हो गया. एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक डिपार्ट कर गया, इस तरह की रिएक्शन है. तो ये जस्ट हिंट मैंने आपको दिया रिएक्शन लिख के. अब आप अपना दिमाग लगाइए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ट्राई टू गेट परफेक्ट आंसर. इसको लेकिन लिख लीजिएगा हिंट अपने नोट्स.
यू ऑल कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स जैसे जैसे आपको, लेकिन आप जेन्युइनली इसको अटेम्प्ट करना, नोट्स रिफर करो, वट एवर यू वॉन्ट टू चेक यू चेक फ्रॉम नोट, ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर. मैं इसका फुल डिस्कशन करूंगा, इट्स अ रियली रियली गुड क्वेश्चन. वेरी गुड ईशान. और किसी का आंसर बेटा आ रहा है? फटाफट डालिए. प्रशस्त, वेरी गुड. क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है. कुछ अगर यू नो कोई रिएजेंट अगर आपको याद भी आ रहा है कहां पर लिखा है तो मुझे बोलो, मैं बता देता हूँ आपको नोट्स में कहां पर मिलेगा.
और लोग भी आंसर डालो बेटा, अगर आ रहा है तो आप आंसर्स डालिए। आंचल वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड, सिद्धार्थ वेरी गुड, प्रशांत वेरी गुड, संयम सही बेटा, वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है बेटा। वैसे तो ऑप्शंस देख के ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, बट वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है। गुड सेम, और आंसर दूसरा भाई और भी निकाल बेटा। कृष्णा वेरी गुड, सिद्धार्थ यू आर आस्किंग और यू आर टेलिंग, अच्छा ठीक है लेट्स सी। मैंने आपको यहाँ हिंट दिया हुआ है, वो दोनों फंक्शंस होते हैं वहां पर या एक होता है वो तो देखना पड़ेगा। हर्ष पवार वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने जेन्यूनली इसको अटेम्प्ट किया है और लकली अगर उसका आंसर सही निकला मतलब आपका लेवल ठीक चल रहा है, प्रिपरेशन आपकी ठीक चल रही है, गुड सायम। चल डिस्कशन कर ले बेटा। यस ईशान वेरी गुड, शुड आई डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ या और कोई अटेम्प्ट कर रहा है? चल डिस्कशन करते हैं इसका। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एक बेंजीन रिंग दी हुई है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं क्या क्या बता रहा हूं आप, और एक ये कंपाउंड दी है। अगर आप अपने नोट्स को भी ध्यान से देख लो ना तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार कराए हुए। कोई गेस करेगा कि ये रिएक्शन का नाम क्या है? और ये कोई पहली बार नहीं करा रहा, ये कई सालों से ये सब रिएक्शन चल रही है, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 2020 में आया हुआ है, तो सोचिए कि वो बच्चे कितने लकी होंगे।
एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन मिल गया जो वो, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है अगर अंटिल नेस आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको इस सेंस में पूरा का पूरा लगभग मिल रहा है। अब देखो डिफिकल्टी उसने क्या की है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया उसने। यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया है ऐसा, और यहाँ पर एक ग्रुप इस फॉर्म में है, और यहाँ पर CH2 है, और ऐसे बाद में कनेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपको फोकस करना है वो ग्रुप जो डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग के साथ। ये कनेक्टेड है, इधर मान लो ये कनेक्टेड है, इधर वाले में मान लो ये कनेक्टेड, यानी कि आपके पास तीन ग्रुप्स कनेक्टेड है, एक ये, एक ये और एक ये। अब आपकी नजर में इन तीन में से कौन सा ग्रुप मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि आप याद करो तो मैंने आपको सिखाया है कि व्हेनेवर एल्काइल ग्रुप इज कनेक्टेड विद बेंजीन, याद आ रहा है, व्हेनेवर एल्काइल ग्रुप इज, और इसको इसी तरह से लिखना जैसा मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, इज कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, its electron releasing power is decided by hyper conjugation. Yes. तो ये जो तीन ग्रुप मैंने आपको लिखे इनमें से सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन देगा बेटा? CH2। गलती भी नहीं कर देना इस बात की कि आप सोचो ये तीन CH3 है ये वाला, ना ना, इसके साथ जो H कनेक्टेड होगा उसके बेसिस पे आता है। तो सबसे ज्यादा H किसके साथ कनेक्टेड है? यहां पर। तो ये आपका बेस्ट ग्रुप हो गया, समझ में आया? ये आपका बेस्ट ग्रुप है जो आपका डिसाइड करेगा अटैक कहां पर होना है। और ये है क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना, तो अपने लिए मोस्ट एक्टिवेटिंग है एंड ऑर्थोपैरा, ये आपको इसी सेंस में लिखना। तो इसका पैरा पोजीशन तो देखो ब्लॉक्ड है, क्या आप देख सकते हो? ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि यहाँ एच छोटा तब तो सब्स्टिट्यूशन कराते ना, यहाँ पर एच है तो दिस इज द ओनली पोजीशन लेफ्ट, यहाँ अटैक होगा, इसको हाईलाइट करना है। तो बड़ा पहले इतना लिख लो सारे बच्चे, सबसे पहले इतना पार्ट जरूर कॉपी करो अच्छे ढंग से। किसी को कोई कंफ्यूजन है देन यू प्लीज आस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि ये पता करना, ईशान ने भी लिखा बेटा देखो कि कहां पर ग्रुप में अटैक करना है, मतलब कौन सी पोजीशन बेंजीन की अटैक होगी। इफ एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन एनी डाउट यू प्लीज आस्क।
हमने लिख लिया बेटा इतना, 1 मिनट सर। ओके सर। अब आप देखिए अटैक होता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली चीज ब्रेक होगी, है ना। ये ब्रेक होने के बाद ये जो सीओ वाला पार्ट है ये तो अटैक करेगा जा करके, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सीओ ओएच बन जाएगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, है ना। ये तो ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी अपने को। यहाँ पर सीधे कनेक्ट करना है, यहाँ कनेक्ट कौन होगा बेटा, यहाँ कनेक्ट होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये कनेक्ट होगा सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्ट होगा, फिर एक सी एच टू आएगा, फिर एक सी एच टू आएगा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा। अब देखो क्या ऑप्शन में इस चीज को पूछा गया है, ये प्रोडक्ट क्यू है, और क्यू देखो तुम्हारा दिया है, क्या मैच कर रहा है बेटा? यस सर। इसका मतलब है एक आंसर अपने को आ गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से, केवल ये डिसाइड करना था किस पोजीशन पे अटैक होगा, और उसके बाद तो ऑप्शंस लिखा हुआ है, आपको टाइम नहीं लगेगा ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, और सीक्वेंस देखो तीन तीन दिए हैं, और उसमें भी कई कई रिएजेंट्स दिए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घबराएं नहीं, ऑप्शंस को ध्यान में रखें, और केवल इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके, जैसे यहाँ हमने केवल पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिया कि अटैक कहाँ होना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर दिया। तो ये आपका एक प्रोडक्ट हो गया बेटा। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, क्यू से जो आगे बढ़ रहा है उसमें क्या किया गया है, तो ये जेड एन एच जी एच सी एल ये क्या करता है बेटा, याद करके बताइए। तो क्लेमेंशन रिडक्शन जो होता है वो हर एक सीओ को सी एच टू बनाता है, या कोई स्पेशल कंपाउंड्स के सीओ को सी एच टू बनाता है? सर हर एक सीओ को सी एच टू बनाता है। इस बात को ध्यान रखें, हर एक को नहीं बनाता, किसको बनाता है? ईशान वेरी गुड बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले को, क्योंकि हम मिस्टेक कर सकते हैं इस चीज में, और मैंने कई बार ये लिखा है, बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आपके माइंड में वो चीज भर जाए। तो ये एल्डिहाइड कीटोन, अब उसमें देखो तुम्हारे उसमें तो एक एल्डिहाइड सॉरी एक जो ये कीटोन दिया है उसको बस सी एच टू बना देना है आपको, ऐसा बन गया आपका, तो सी एच टू एक बढ़ जाएगा, और ये सी ओ ओ एच ऐसा ही रहेगा, यहां से कोई मतलब नहीं था और यहाँ वाले से कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये आपका इस तरह से मिलेगा। बट ये यहाँ तक ये पूछा ही नहीं है उसने, फिर भी आप पहले इतना कॉपी कर लो बेटा, सारे बच्चे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर कॉपी कर लेना जो बनाया मैंने, फिर इधर आ जाना। ये तो क्यू है, वो तो तुम क्वेश्चन से देख के बना सकते हो, और इसको कॉपी कर लो, ये पूछा ही नहीं क्या ये वाला। इसके आगे एक और स्टेप मतलब H3PO4 और डाला गया है, तो अभी उसका डिस्कशन करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको अच्छे से सॉल्यूशन बना कर रखिए। सर प्रीवियस पेज कृष्णा आपने कुछ बोला क्या बेटा, माइक का ऑन हुआ। प्रीवियस पेज तो लिखिएगा, केवल आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो एनालिसिस है वो इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्या है ये, तो क्लेमेंस रिडक्शन है, CO CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, कौन से होते हैं वो भी लिखा, क्योंकि यहाँ एसिड का भी CO है, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ना अब आप इसको देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोलता है, H3PO4 उसने डाल दिया, H3PO4 ही डाला है ना, हाँ H3PO4। तो बेटा कोई गेस करेगा ये क्या चीज कहना चाहता है, ये क्या है? प्रोटॉन डोनर। तो दोबारा बोले बेटा, सबसे नहीं दिया प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर तो है लेकिन यहाँ करेगा क्या, मतलब ओवरऑल रिएक्शन कुछ तो मैंने बताई है, किसी ने लिखा, somebody is writing dehydration, somebody is writing protonation, somebody is saying OH leaves। अब मैं आपको जो लिखाने जा रहा हूँ, पहले करवाया है alkylation, very good। अब आप ध्यान से सुनो बेटा, एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा एल्काइलेशन है ना, उसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको लिखा एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं किसी लूस एसिड के साथ है ना, एल्कोहल यूज कर सकते हैं किसी लूस एसिड के साथ में भी, या फिर किसी प्रोटॉन एसिड के साथ भी, जैसे कि H3PO4 राइट, या फिर कोई हम लोग एल्कीन यूज कर सकते हैं प्रोटॉन एसिड के साथ, और इन सब में कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। देखो इसका कोई रोल नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये बार बार जब आप लिखोगे ना तो आपके माइंड में बिल्कुल अंत चला जाएगा और वो कोई मिस्टेक एग्जाम में नहीं होने देगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट और फिर जाकर ये बेंजीन के साथ आर कनेक्ट। That is Friedel-Crafts alkylation की important point। अब आते हैं Friedel-Crafts acylation। Friedel-Crafts acylation में मैंने जो आपको लिखाया वो क्या है? एक तो anhydride use कर सकते हैं, ठीक? Lewis acid के साथ, ठीक? एक हम लोग use करते हैं acyl halide Lewis acid के साथ, और एक हम लोग use करते हैं carboxylic acid प्रोटॉन एसिड के साथ, जैसे कि H3PO4, और तीनों सिचुएशंस में इट इज RCO पार्ट दैट गेट्स कनेक्टेड, मतलब ऐसा टाइप का, इसको कहते हैं Friedel-Crafts acylation। क्या सबको ये बात समझ में आई? अब आप देखो बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और ये प्रोटॉन एसिड दिख रहा है, क्या होगा रिएक्शन में, बोलो, Friedel-Crafts ये प्रिडिक्शन आपको सही से करना है। वैसे तो ऑप्शंस भी तुम ध्यान से देखो तो भी आप समझ जाओगे कि उसने सीओ का कुछ लगाया है, ऑल्दो आंसर सही नहीं है क्योंकि उसने टेढ़ा लगा दिया है। इसमें करना क्या, इस OH को हटा के सीधे एक ही पोजीशन बच रही वहीं पर कनेक्ट कर दो, इस जगह पर एकदम कॉमन सेंस से आंसर लिखा जा सकता है, ये ऐसे ही रखेंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसा है, ऐसा है, ये बस ऐसा, और यहाँ पर क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्डो, और ये ऐसे देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कोई ऑप्शन नहीं दिया, दिया है सी में आर, लेकिन ये उल्टा करके लिखा हुआ, सीओ देखो, मेरा सीओ यहाँ कनेक्टेड है, उसका सीओ यहाँ कनेक्टेड है,
आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस आर के बारे में. इसको कॉपी कर लो बेटा. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क. हां, तीन तीन रिएजेंट्स मैंने लिखाए थे आपको, उनमें से एक यहाँ पर आ रहा है क्रिडलक्राफ्ट डिसाइलेशन के लिए. इसी तरह से एल्काइलेशन का भी हो सकता है फ्यूचर में जो क्वेश्चन आए वो एल्काइलेशन पे आ जाए, तो उसको भी आप जरूर कहीं कोने में कॉपी कर लेना. तुमने कॉपी कर लिया बेटा? 1 सेकंड. ओके. डन सर. डन ना. देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है. नेक्स्ट पार्ट में ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाला गया. सबसे पहले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. उसका काम क्या है? तो ग्रिगना देखो इतना ये सब ऊपर का पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर सी डबल बॉन्ड लिखा है उतना मैं ऐसे लिख रहा हूँ. आई होप आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजें, है ना.
तो इसमें उसने ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाला है CH3MgBr है ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ रहा है मुझे, CH3MgBr। तो ये क्या करेगा, ये सीधे इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इसको ऐसे शिफ्ट कराएगा, फिर ये OH बन जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ऐसा ये रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रेशन के बाद यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ मिथाइल। ये है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बाद करे, लेकिन पूछा ही नहीं गया, पूछा क्या गया, इसके बाद एक और सीक्वेंस फॉलो किया गया, उसमें आपका डाल दिया गया है एसिड, प्रोटॉन एसिड डाल दिया। तो बताइए बेटा H2SO4 अल्कोहल के साथ अगर डाल दोगे तुम तो ये क्या है, इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, डिहाइड्रेशन। एक एल्कीन बस बना दो, और याद रखना एल्कीन हमेशा क्या कैसा बनता है कि व्हाट एवर बी द मैकेनिज्म, न्यू डबल बॉन्ड शुड कम वेयर, कॉन्जुगेशन ऑफ आवर डबल बॉन्ड, यस। इसीलिए आप देखो तो आपको एक आंसर ऐसा दिया हुआ है जिसमें उस तरह का एक कॉन्जुगेशन बनाया गया है इस तरह का, ठीक। और ये मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है यू मस्ट आस्क, इसको कॉपी करो, इट्स आल्सो वेरी गुड। इसको कॉपी कर लीजिएगा बेटा, और अभी तो हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे, आप बुकलेट फिनिश करते रहना, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वी विल स्टार्ट एल्काइल एराइल हैलाइड्स, नया चैप्टर है वो। और जब कभी भी आप बोल दोगे कि हमने बुकलेट अटेम्प्ट कर लिए, देन वी कैन डिस्कस इन वन डे बुकलेट, ठीक है ना बेटा सब लोग? यस सर। इसको कॉपी कर लो, देन यू कैन टेक रेस्ट।